हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर का पासवर्ड है वो कैसे चेंज करेंगे, वो भी ओल्ड पासवर्ड के बिना जाने। यदि आपको ओल्ड पासवर्ड भी नहीं पता है तो भी हम लोग है वो नया पासवर्ड है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब बात करने वाले हैं। क्या आप अपने आप को कंप्यूटर का एक्सपर्ट बोलते हैं या कंप्यूटर के बारे में सब पता है आपको, या फिलहाल आप अभी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, या कंप्यूटर से संबंधित जानकारी जानना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को है वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड ही वीडियो मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो है वो शुरू करते हैं। और मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं पासवर्ड चेंज करने का, शायद ही आपने न तो ऐसा पहले कभी देखा होगा और ना ही ऐसा सुना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओल्ड पासवर्ड अपन लोग कैसे चेंज करते थे, जैसे कंट्रोल पैनल के अंदर जाते थे और जैसे ही कंट्रोल पैनल है वो ओपन होता है तब हम लोग सिंपली यूज़र अकाउंट के अंदर जाके और यहाँ पे आके वो पासवर्ड है वो चेंज करते थे। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप पासवर्ड है वो शॉर्टकट तरीके से है वो चेंज कर सकोगे कमांड दे के, और इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर और कैसे करते हैं वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च बार में आना है और वहाँ पे टाइप करना है कमांड, ये रहा कमांड, और इस पे आपको राइट क्लिक करके रन करना है, रन एज, और यहाँ पे यस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट स्पेस और लिखना है यूज़र, USER, यूज़र लिख के इंटर कर देना है। अब आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी एडमिनिस्टर अकाउंट बने हुए हैं वो सारे के सारे है वो लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। तो अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो सत्यपाल वाले पे आप देख रहे हो सत्यपाल शर्मा नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे मुझे पासवर्ड है वो चेंज करने हैं और नया पासवर्ड लगाना है। ओल्ड पासवर्ड मुझे पता नहीं है कि क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा नेट स्पेस और लिखूँगा यूज़र USER, यूज़र लिख के और स्पेस दूंगा, स्पेस दे के लिखूँगा, वहाँ पे क्या लिखा देखो GUEST, गोस्ट स्पेस, और अब मैं वो पासवर्ड दूंगा जो मुझे लगाना है। तो मैं दे दूंगा 123123, ये मैंने वो नए पासवर्ड है वो सेट कर दिए हैं और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी आपके पासवर्ड है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब नए पासवर्ड है वो है 123123। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कंप्यूटर के अंदर है वो 30 मार्खा बन जाए। और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ, धन्यवाद। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड रोचक वीडियो लेके आता रहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिससे आप है वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें, धन्यवाद। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे वो शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनका भी कुछ लाभ हो जाए, धन्यवाद।